आप सभी को मेरे YouTube चैनल JKR पे स्वागत है। बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा किया था और 1857 की क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्रांति होने के कारण, उसके प्रारंभिक शुरुआत की घटनाएं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मैंने कारणों में ये बताया था कि 1857 की क्रांति होने के कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ उद्योग धंधों पर उसके प्रभाव भी कारण बने थे, साथ ही साथ सैनिकों के असंतोष की भावना भी इस क्रांति का एक कारण बना, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण और तत्कालीन कारण बना था वह था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के बारे में जानकारी सबसे पहले जहां के लोगों को मालूम होती है वह जगह था दमदम। तो दमदम में सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि एनफील्ड राइफल्स जिसका प्रयोग अंग्रेज भारतीय सेना में करने जा रहे हैं, उस राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया है और यह गाय एवं सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो इस बात की जानकारी सबसे पहले दमदम क्षेत्र में होती है। उसके बाद से यह सूचना पश्चिम बंगाल के ही बहरामपुर वाले इलाके में फैलता है और बहरामपुर से फिर यह वहां पहुंचता है जहां मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन इन्फेंट्री सोल्जर के तौर पर तैनात थे। तो जब 34वीं बटालियन में वो इन्फेंट्री सोल्जर के तौर पर तैनात थे, वह एक हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उनके पास जब यह मैसेज बना कि जिस कारतूस को चलाने वाले हैं उस कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उन पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाने का ही परिणाम था कि उन्होंने सैन्य अधिकारियों पर ही गोली चला दी। तो इस घटना के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी थे। तो शहीद तो हो जाते हैं, लेकिन शहीद हो जाने के बाद यह खबर भारत के सभी सैन्य संगठनों तक पहुंच जाती है। जब उन्होंने अपने धर्म की बात की, अपने धर्म पर होने वाले कुठाराघात को लेकर जब उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो उन्हें फांसी दे दी गई है। इसी के चलते इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले होती है मेरठ से। और मेरठ से कैसे होती है? 9 मई 1857, ये वो दिन है जिस दिन मेरठ के 20वीं नेटिव सोल्जर में से कुछ सोल्जर जाकर दिल्ली में मिलते हैं बहादुर शाह, जो उस समय मुगल सम्राट थे, और उनसे जाकर कहते हैं कि मैं आपको इस 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता चुनता हूं, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहां पर भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक गलती कर दी गई। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिनका उम्र खुद 72 साल था, उस उम्र में उनके ऊपर एक दायित्व तो सौंपा गया कि आपको इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना है, जबकि उनको खुद ही 4 लोगों के नेतृत्व की आवश्यकता थी 72 साल के एज में। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को यह जिम्मेवारी सौंपी गई और उनसे कहा गया कि आप हमारा साथ दे, आपको हम फिर से एक असली मुगल राजा की पहचान दिलवाएंगे। आप नाम मात्र के मुगल राजा बनकर रह गए हैं, अंग्रेज कि केवल कठपुतली बनकर आप काम कर रहे हैं, आप एक बंदी की तरह जो है लाल किले के अंदर रह रहे हैं, लेकिन यदि आप 1857 की क्रांति में सैनिकों का साथ देते हैं तो उस स्थिति में आपको रियल का मुगल बादशाह जो है घोषित होने में देर नहीं लगेगा, आप रियल मुगल बादशाह होंगे, तब आप किसी भी प्रकार के फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस बात की जानकारी जब मिलती है बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल को, तो जीनत महल भी अपने पति बहादुर शाह को सैन्य कक्ष में बोलती हैं कि जहां पनाह, ये वक्त लोरी सुनने का नहीं है, ये वक्त है इन भारतीय सैनिकों का साथ देकर मुगलों की बादशाहत को कायम रखने में। और इस तरह से बहादुर शाह जफर भारतीय सैनिकों को यह आश्वासन देते हैं कि 1857 की क्रांति में उनका साथ देंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो उन्हीं का एक सहयोग मिला था संपूर्ण नेतृत्व पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि उस समय केंद्रीय नेतृत्व पर मुगल वंशी
राज कर रही थी, उन्हीं का शासन चल रहा था। अब देखिए क्या होता है, कारण में मैंने जो भी बात बताया या विस्तार की जो बातें बताई उसमें 9 मई को जाकर ये जब मुगल बादशाह से मिलते हैं, उसके बाद 10 मई 1857 ये वो तिथि है जिस दिन सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति या सैन्य विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। विधिवत यह डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 वो तिथि हुआ जिस दिन इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 10 को ये लोग क्रांति की शुरुआत करते हैं, 11 मई को ये अपने ही शस्त्रागार में जो छावनी था मेरठ छावनी, उसी शस्त्रागार को ये क्रांतिकारी लूट लेते हैं। और फिर 12 मई को ये प्रस्थान करते हैं दिल्ली की ओर, और 12 मई को प्रस्थान करते हुए दिल्ली को जाकर अपने कब्जे में ले लेते हैं, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये इस प्रकार से इसका शुरुआत हुआ, विस्तार होना शुरू हुआ। और देखते ही देखते यह क्रांति संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र में फैल गया, संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र में फैला। और देखिए इसका नेतृत्व तो कौन सा व्यक्ति कहां पे कैसे कर रहा है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं कि इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह, इन्हीं को इस 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा गया था भारतीय सैन्य क्रांतिकारियों के द्वारा। और बहादुर शाह द्वितीय ने जब दिल्ली में 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, तो इस क्रांति को रोकने के लिए जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे वह थे हटसन और निकोलसन ने इस क्रांति को यहीं पर दिल्ली में ही दबा दिया, ज्यादा व्यापक नहीं होने दिया। 1857 में यह क्रांति 10 मई को शुरू हुआ, लेकिन 1857 समाप्त होने से पहले ही दिसंबर तक इस क्रांति को पूरी तरह से भारत में सफाया कर दिया गया। तो हटसन और निकोलसन ने यहां पर इस क्रांति को दबाया। इस क्रांति के होने के बाद जब भारत की सेना की हार होती है, तो इस हार के होने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाकर इनको रंगून भेज देते हैं। ये रंगून भेज जाते हैं, और रंगून में ही 1862 में इनकी निर्वासित जीवन जीने में ही मृत्यु हो जाती है। ये वही बादशाह है जिनके कब्र पर यह लिखा गया है, मैं ऐसा मुगल बादशाह रहा जिसको 2 गज अपने देश की जमीन भी नसीब नहीं हो पाया। 1862 में इनकी मृत्यु के बाद इनके कब्र पर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बने, इसके बाद कोई मुगलों का राजा नहीं बनता है। लेकिन चूंकि ये 72 साल की उम्र में थे, तो इनसे क्रांति का नेतृत्व तो हो नहीं पाता, तो इन्होंने अपनी क्रांति का नेतृत्व तो करने के लिए जिम्मेवारी दिया था कि इनको वक्त काखो, यानी दिल्ली में इस 1857 की क्रांति का जो सैन्य नेतृत्व संभाल रहा था वह व्यक्ति था वक्त खान। अब देखिए लखनऊ, नवाबों का शहर, लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल एक महिला। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के इस क्रांति को दबाने के लिए कैंपवेल यहां पर कैंप किया अंग्रेज अधिकारी, और कैंपवेल के प्रयासों से लखनऊ में इस क्रांति को दबाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल स्वयं ही अकेले हाथी पर बैठकर इन अंग्रेजों का सामना करने के लिए निकल पड़ी थी। और जब विद्रोह समाप्त हुआ, तो विद्रोह समाप्त होने के बाद से भारत से नेपाल की ओर प्रस्थान कर गई थी बेगम हजरत महल। झांसी, उत्तर प्रदेश का ये इलाका झांसी, जहां से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, बहुत बड़ी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को खत्म करने के लिए यहां पर लगाया गया था अंग्रेज अधिकारी सर ह्यूरोस ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, उनको ग्वालियर में मार गिराया था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई यह लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, किस लिए? क्योंकि वह अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को जो है सत्ता पर काबिज करना चाहती थी। दत्तक इनका पुत्र था, दामोदर राव, गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव। और ऐसा क्यों ये करना चाहती थी? क्योंकि अंग्रेजों ने यह नियम ला दिया था
कि अब गोद ली हुई संतान को किसी भी हालत में वहां का नया जो है वारिस घोषित नहीं किया जाएगा। ये गोद लेने की प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। और इस व्यवस्था से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह काफी नाराज थी और उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी दिलवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था झांसी से। हालांकि इतनी ये ताकत से लड़ी थी कि स्वयं जो है हीरोज भी कहा था कि 1857 की क्रांति में अगर कोई इकलौता महिला मर्द थी तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। यह गंगा राव की विधवा थी, गंगा राव इनके पति का नाम था, इन्हीं की यह विधवा रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से देखिए, कानपुर यहां से नेतृत्व तो संभाले थे नाना साहब के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि नाना साहब का एक और नाम क्या है, थोदू पंत। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि नाना साहब का एक और नाम क्या है, थोदू पंत। नाना साहब ने कानपुर में जो विद्रोह किया था, इस कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए जिस अंग्रेज सैन्य अधिकारी को लगाया गया था वह था कैंपवेल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो मुख्य सैन्य अधिकारी नियुक्त किया गया था, सेनापति जिसे बनाया गया था, वह कैंपवेल ही था। तो कैंपवेल के प्रयासों से नाना साहब के क्रांति को समाप्त किया गया। यहां पर नाना साहब के बारे में बात की जाए तो यह मराठों के अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया। लेकिन यहां भी नाना साहब का नेतृत्व संभाल रहे थे तात्या टोपे, सैन्य नेतृत्व संभाल रहे थे तात्या टोपे। लेकिन फिर भी यहां पर नाना साहब की हार हुई, कैंपवेल ने इनके इस अभियान को समाप्त कर दिया था। इसलिए तात्या टोपे यहां से आगे बढ़ते हुए चले गए थे ग्वालियर। ये ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। ये तात्या टोपे जिनका एक और नाम है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का ही नाम है। यहां पर ग्वालियर में भी इनके विद्रोह को दबाने के लिए वही थे कैंपवेल। यहां पर उल्लेख मिलता है कि मानसिंह इनके काफी विश्वास पात्र थे, लेकिन यही मानसिंह इनको धोखा दे देते हैं और इसी धोखा देने के चलते यहां तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो तात्या टोपे को फांसी दिया गया था मानसिंह के धोखे के कारण। ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। अब देखिए हम बिहार की बात करते हैं, बिहार का जगदीशपुर आरा जिसको हम भोजपुर जिला कहते हैं। तो ये जगदीशपुर आरा में नेतृत्व संभाले थे बाबू कुंवर सिंह। ये हमारी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा यहां पर परिवर्तन था। हम इसलिए इसको परिवर्तन कहेंगे क्योंकि बाबू कुंवर सिंह जब 1857 की क्रांति लड़ रहे थे उस समय बाबू कुंवर सिंह का उम्र था 80 साल। 80 साल का यह योद्धा अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया था। हम ये कहेंगे कि बाबू कुंवर सिंह ने अगर वास्तव में देखा जाए तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सफलता पाई थी। न सिर्फ इन्होंने जगदीशपुर वाले क्षेत्र को यहां पर फतह हासिल किया, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से निकलते हुए आजमगढ़ तक जाकर यहां पर अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। तो बाबू कुंवर सिंह सबसे बड़े विजेता के तौर पर आए थे। बाबू कुंवर सिंह के इस अभियान को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने लगाया था विलियम टेलर को। ये विलियम टेलर जो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह द्वारा आंदोलन किया गया था उस आंदोलन को दबाने वाला सैन्य अधिकारी था। अगर हम बाबू कुंवर सिंह के बारे में कहें तो ये जानकारी मिलती है कि बाबू कुंवर सिंह जब अंग्रेजों के द्वारा घिर गए थे तो घिरने के बाद ये वहां के किले से बाहर निकल रहे थे। ये जब वहां के किले से बाहर निकल रहे थे तो अंग्रेजों की गोली इनके हाथों में आकर लग गई और जब अंग्रेजों की गोली इनके हाथों में लगी तो इन्होंने हाथ को काट करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था, ये कहते हुए कि ये गोली जो अंग्रेजों की मेरे हाथों में लगी है उससे मेरा हाथ अपवित्र हो गया है। तो इतने वीर योद्धा थे बाबू कुंवर सिंह। 9 मई 1858 को इनका निधन हुआ था। 9 मई 1858 वो तिथि है जिस दिन बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। और आज हम आपको जब 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं तो आज ही बाबू कुंवर सिंह की जयंती भी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे आज के दिन के लिए कि जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, आज उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का विजय उत्सव मन रहा है पूरे देश में इस लॉकडाउन के दौरान भी। तो ध्यान रखेंगे बाबू कुंवर सिंह सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़े थे ये
1857 की क्रांति में। पटना से नेतृत्व संभाल रहे थे पीर अली, ये पीर अली पटना से नेतृत्व संभाल रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत यहाँ पर शुरू किए थे, और पटना में भी यही इस नेतृत्व को दबाने वाले अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे विलियम टेलर। अब देखिए इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे, लियाकत अली, और यहाँ पर जनरल नील को लगाया गया था, जनरल नील जिन्होंने जहाँ इलाहाबाद में लियाकत अली के अभियान को समाप्त किया। बरेली से खान बहादुर खान थे, इनके नेतृत्व को दबाने के लिए कैंपवेल लगाए गए थे। कोटा राजस्थान का एक ही क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं फैला था, राजस्थान के कोटा वाले क्षेत्र में जगदयाल एवं हरदयाल नामक दो भाई ये अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिए थे 1857 की क्रांति में। उसी तरह से फैजाबाद से देखें तो मौलवी अजीमुल्ला। इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद एक बात की जानकारी मिलती है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें भारत के मुसलमान और हिंदू दोनों भाइयों ने भाग लिया था और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया था, इसीलिए यह व्यापक स्तर पर अभियान रहा। यह अलग बात है कि यह नॉर्थ इंडिया तक में ही सिमट कर आ गया, साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार नहीं हो पाया। खास करके मद्रास वाले अगर क्षेत्र को देखें तो उधर तो बिल्कुल ही 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव था ही नहीं। तो ये रहा इसका विस्तार कि किस प्रकार से ये विस्तारित होता है 1857 की क्रांति, किन किन क्षेत्रों में भारत में अपना पैर पसारता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ये मालूम चलता है कि अगर हम इसको भारतीय मैप के दृष्टि से देखें तो ये मालूम चलेगा कि 1857 की जो क्रांति थी वह कुछ क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया था, दक्षिणी भागों में यह नहीं पहुँचा था। और आज हम यहाँ पर इसके असफलता के कारणों को भी देखेंगे कि असफलता के मुख्य कारण क्या क्या थे। देखिए असफलता के कारणों को देखें तो सबसे पहला कारण बनता है सीमित क्षेत्र, एक बहुत बड़ा कारण जैसे मैंने भी बताया। सीमित क्षेत्र इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यह कुछ ही दूर तक फैल कर रह गया था। जैसे अगर हम भारत के नक्शे के सापेक्ष देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे आप बोर्ड पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ। भारत के नक्शे के सापेक्ष अगर 1857 की क्रांति को देखें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में कितना हुआ तो आपको अभी बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी मिल जाएगा। ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका बंगाल का क्षेत्र, तो बंगाल के क्षेत्र से कलकत्ता यहाँ तक तो ये फैला ही था क्योंकि बैरकपुर छावनी, यहाँ मंगल पांडे पहले वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस राइफल्स को चलाने से साफ मना कर दिया, बोले कि इस कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो ये जगह है। इसके बाद देखिए अवध वाले क्षेत्र में, अवध सबसे बड़ा जो है अंग्रेजों का वफादार क्षेत्र, यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह 1856 में इनको यहाँ से हटाया गया गद्दी से, कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि आपसे प्रशासन सही से संभल नहीं रहा है। यहाँ पर इनके लिए रिंग्स ऑफ फेज की नीति को अपनाया गया, और इसलिए अपनाया गया क्योंकि रिंग्स ऑफ फेज की नीति के अंतर्गत बंगाल वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाते हुए इस क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया। तो अवध का क्षेत्र देखें, यहाँ पर देखें ये कानपुर वाला क्षेत्र है, फिर आपका लखनऊ वाला क्षेत्र है या इलाहाबाद का क्षेत्र है इस जगह पर, फिर आपका दिल्ली का क्षेत्र बना। तो ये हम कहेंगे कि इधर इतने सारे क्षेत्रों में ये तो 1857 की क्रांति फैला, इतना जो है व्यापक रहा, लेकिन साउथ इंडिया में इस क्रांति का कोई असर नहीं पड़ पाया था। तो सीमित क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव देखने को मिला। अगर यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया होता तो राष्ट्र के सभी लोगों का समर्थन मिला होता तो शायद इस 1857 का परिणाम कुछ और होता। अब देखिए इसके असफलता का एक और कारण देखें, इसके असफलता का एक और कारण देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव हम क्या बोलेंगे, तो यह आंदोलन छोटे छोटे सीमित क्षेत्रों में हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय स्तर पर अगर नेतृत्व हुआ होता तो फिर अधिक से अधिक लोग इस 1857 की क्रांति से जुट पाते। ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में, लखनऊ में, कानपुर में, हालांकि शहर तो बड़े बड़े चुट किए गए थे लेकिन संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में नहीं फैल पाया था। नेतृत्व की इसमें कमी दिखाई दी, जो लखनऊ में थे वो अपने हिसाब से आंदोलन, जो जगदीशपुर में थे वो अपने हिसाब से आंदोलन, जो झांसी में थे वो अपने हिसाब से आंदोलन, और अपने अपने कुछ स्वार्थों के लिए भी कर रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को
उसका वाजिब हक दिलवाना चाहती थी, इसके लिए वो लड़ाई में भाग ले रही थी। अगर हम देखें मुगल बादशाह, तो मुगल बादशाह को स्वार्थ क्या था कि उनकी बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए कायम रखे, जो कठपुतली बनकर अंग्रेजों के हैं वो न रहे। तो कुल मिलाकर नेतृत्व का अभाव जो है देखने को मिला, और नेतृत्व के अभाव के चलते हम कहेंगे कि इसमें हमको असफलता मिली थी। अगर हम अगले कारणों को देखें तो हम कहेंगे कि भारतीयों के पास सीमित संसाधन था। सीमित संसाधन का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने के लिए परंपरागत तरीके के हथियारों की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास अत्याधुनिक तरीके के हथियार थे, जबकि भारतीय लोगों के पास परंपरागत हथियार थे। तो भारतीय इस परंपरागत हथियारों के माध्यम से इस युद्ध को जीत नहीं पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई कि उनके पास संसाधनों की कमी थी, और संसाधनों की कमी होना भी इनकी असफलता का एक कारण बनता है। अगर हम सीमित साधनों के अलावा ये देखें तो हम ये भी कहेंगे कि इस 1857 की क्रांति का उद्देश्य अस्पष्ट नहीं था, और यह बहुत बड़ा कारण बना। उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, यह 1857 की क्रांति किस चीज को लेकर हो रहा है? यह एक सामाजिक क्रांति है, राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, या सिर्फ सेनाओं का एक विद्रोह है? यह कुछ नीति स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि यह 1857 की क्रांति किस लिए किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है। जैसे आप देखेंगे तो गांधी जी ने जो भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन चलाया था उसका एक उद्देश्य था कि हमें भारत को आजादी दिलवाना है। तो वहां पर नीतियां स्पष्ट थी, और इस नीतियों के स्पष्ट होने से अधिकांश लोग गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में शामिल भी हुए थे। लेकिन यहां पर 1857 की क्रांति का कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि कोई अपनी मुगल बादशाहत को कायम रखना चाहता है, तो कोई अपने दत्तक पुत्र को अपना पूरा हक दिलवाना चाहते हैं, कोई जो है सेना का कोई व्यक्ति है जो अपने लिए स्पेशल कोई सुविधा चाहता है। इसका उद्देश्य ही नहीं है, अपने अपने उद्देश्य के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं, और उद्देश्य विहीन होने के चलते भी हम कहेंगे कि इसके रिजल्ट में प्रभाव देखने को मिला कि यह सफल नहीं हो पाया। यदि हम आगे चर्चा करें तो हम ये भी कहेंगे कि संगठन का भी अभाव रहा। संगठन का अभाव, जैसे कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान देखने को मिला था कि भारत के लोगों के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी बनाकर उसका उद्देश्य बना दिया गया कि इस पार्टी की स्थापना का मूल उद्देश्य है भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को लाना और देश को आजादी दिलवाना। यहां पर जो है संगठन ही कोई नहीं था, संगठन के अभाव के चलते जिसको जहां से मन किया अपने हिसाब से आंदोलनों का नेतृत्व किया, और कोई भी एक दूसरे से अच्छे ढंग से संवाद भी नहीं कर पाया, या किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो अगर सारे लोग मिलकर एक केंद्रीय स्तर पर संगठन बनाए होते। हालांकि केंद्रीय स्तर पर संगठन बनाने की एक जगह कोशिश की गई थी, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह को यह जिम्मेवारी सौंपा गया था कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करें, लेकिन वो खुद ही बूढ़े थे, 72 साल का उनका उम्र था, उस समय वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर नहीं पाते, बहुत जल्द अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके फिर रंगून भेज दिया। तो संगठन का अभाव ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ भारतीयों का पूर्ण समर्थन भी नहीं मिल पाया, भारतीयों का पूर्ण समर्थन नहीं मिलना। तो पूर्ण समर्थन क्यों नहीं मिला? भारतीयों का पूर्ण समर्थन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि भारतीय खुद ही अपनी इस 1857 की क्रांति को समझ नहीं पाए थे। किसानों का कहना था कि शायद जमींदार वर्ग के जो लोग हैं, जो जमींदारी व्यवस्था में शुरू से रहे हैं, जिनको साने शौकत में रहने की आदत है, अब उनका जब प्रभाव कम हो रहा है, अंग्रेज जब उनको कम कर रहे हैं उनके प्रभाव को, तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा प्रभाव कम ना हो, इसलिए शायद वो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो उससे हमारी लड़ाई का क्या मतलब है, हम इसमें भाग क्यों ले? हाँ, किसानों पर अगर कुछ ऐसा होता तो शायद हम लोग भाग लेते। तो एक सोच बनी, कुछ लोगों के मन में आया कि सैनिक ये अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इसका कोई वास्ता ही नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो है वो सिर्फ अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर है, या और भी हम कह सकते हैं कि अपने प्रमोशन को लेकर, अपने स्थानांतरण को लेकर, इसको लेकर ये सैनिक जो है आंदोलन किए हुए हैं। तो ये भी एक हम कहेंगे कारण बना कि भारतीय लोग इसका पूर्ण समर्थन नहीं कर पाए थे,
और 1857 की क्रांति इन्हीं सब कारणों के चलते असफल हो गया था, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण बनकर आया था संगठन का अभाव होना। संगठन कोई था नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, संगठन के अभाव के चलते हम कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिल पाया, और ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। और अंग्रेजों की अगर तुलना में हम देखें कि भारतीयों की असफलता तो खैर इन कारणों से हुई, लेकिन अंग्रेजों को सफलता किन कारणों से मिली, तो हम कहेंगे कि अंग्रेजों की सफलता का सबसे बड़ा जो कारण था वह था उस समय उन्होंने जिस सैन्य अधिकारियों को उतारा था इसको दबाने के लिए, वो कूटनीति के इतने माहिर थे कि अपनी कूटनीति के बल पर उन्होंने 1857 की क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया था। अब देखिए, खैर क्रांति तो असफल हुआ, लेकिन क्या इसके कुछ परिणाम भी निकल कर आए? क्या 1857 की क्रांति का परिणाम कुछ बना है? यानी हम ये कहें कि भारतीयों को इस क्रांति से कुछ लाभ भी हुआ या फिर अंग्रेजों को कुछ लाभ हुआ, तो आइए थोड़ा सा हम देखें इस 1857 की क्रांति के परिणाम के बारे में। अगर परिणाम की हम बात करें तो सबसे पहला देखिए क्या परिणाम होता है। 1857 की क्रांति भले ही असफल रहा, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कोई कमी हुई है, जिसके वजह से इतना बड़ा जो है आंदोलन भारतीय करने में कामयाब रहे, या फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों की यहां पर एकता भी दिखाई दे दी, तो हमें आगे चलकर कुछ ऐसा करना है जिससे इनकी एकता उतनी न बने, या आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें और हमारा काम सिद्ध होते रहे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ये क्रांति हुआ तो इस क्रांति के बाद जब लॉर्ड केनिंग गवर्नर थे, तो उधर इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को लगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की यहाँ पर असफलता भी आती है। यह अलग बात है कि हम अपने सैन्य अधिकारियों की कूटनीति के बल पर इसे दबा तो दिए हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी चूक यहाँ पर करते तो शायद ब्रिटिशर्स को यहाँ पर घातक परिणाम का सामना करना पड़ता है। अब जो है सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन ये शासन करेगा, अब यहां पर कंपनी का कोई वास्ता नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा हमेशा हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो रही है। दूसरी बात कि लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति, जो व्यक्तिगत नीति ये जो अपनाया था, इस हड़प नीति को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया कि ये भी नहीं रहेगा, ताकि थोड़ा उनके असंतोष को कम किया जा सके और इसका दुर्गामी लाभ लिया जा सके। तो हड़प नीति वाली पॉलिसी को ख़त्म किया गया। अगर हम एक और परिणाम की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक नया पद आ गया भारत में, भारत सचिव का पद, कि अब एक भारत सचिव का भी पद होगा। ये एक नए पद का सृजन 1857 की क्रांति का परिणाम। उसके बाद अगर हम अन्य परिणामों की बात करें तो सेना में भी एक परिवर्तन हुआ। और सेना में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे हम आपको बताए थे कि पहले सेना में 5:1 का रेशियो था, भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 5 था और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 1 था, 5 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सैनिक थे। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, अब इतना नहीं होगा, अब जो है ब्रिटिशर्स जो हैं ये तो उतना ही रहेंगे, लेकिन भारतीयों का अनुपात अब घटकर हो जाएगा 2। यानी अब 2 यहाँ पर भारतीय सैनिक रहेंगे तो उसके अनुपात में 1 जो है ब्रिटिशर्स सैनिक रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि सेना में सबसे ज़्यादा जो हैं ये अवध क्षेत्र के सैनिक थे, अवध क्षेत्र के सबसे अधिक सैनिक थे। तो इस अवध क्षेत्र के सैनिक, उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, फिर बिहार के सैनिक भी थे इसमें, बंगाल के भी सैनिक थे। तो यहाँ पर क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कहा गया कि नहीं, जिन लोगों ने आंदोलन को व्यापक बनाया था उन लोगों को यहाँ सेना से हटाना जरूरी है। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति की हो जाने के बाद अंग्रेजों ने सबसे अधिक जो सैनिक बनाए वह गोरखा जवानों को बनाया गया, सिख जवानों को बनाया गया, यानी पंजाब क्षेत्र के लोगों को बनाया गया, क्योंकि ये लोग जो हैं 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिए थे, ज़्यादातर इधर के क्षेत्र के लोग थे। यही कारण था कि इन लोगों की छंटनी शुरू कर दी गई सेना से। तो सबसे अधिक 1857 की क्रांति के समय सैनिक अगर किसी क्षेत्र से थे तो वह कहाँ से थे, औध वाले क्षेत्र से। अगर हम बात करें तो एक और
परिणाम में देख सकते हैं कि इसी 1857 की क्रांति के बाद हम कहेंगे कि भारत में बहुत लंबे समय से आसीन मुगल वंश का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो गया। मुगल वंश जो काफी लंबे समय से भारत में शासन कर रहा था, इनके शासन का अंत हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो ये सारे परिणाम की दृष्टि से रहे, ये सारे परिणाम निकल कर आए थे। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी 1857 की क्रांति को लेकर वीडियो वन में और वीडियो टू में पार्ट वन और पार्ट टू करके जो भी मैंने बात बताया, वो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं पर डाउट हो तो हम कहेंगे कि एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे। जब एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।